हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का एक ऑनलाइन पीडीएफ आपका अवेलेबल होगा, ठीक। तो वो पीडीएफ आपका आज से अवेलेबल हो रहा है। तो वो पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं उसके एक प्रोसीजर के ऊपर आज ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दूँ कि आज शाम को 7 बजे हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का अगस्त माह का वीडियो आज शाम को 7 बजे अपलोड हो जाएगा। तो 7 बजे आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में एक तो करेक्शन है, वो करेक्शन को मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए, कोई भी वीडियो में जब रिकॉर्ड करता हूं तो वीडियो एक दिन पहले रिकॉर्ड करता हूं, और यानी वो वीडियो रिकॉर्ड किए जाने के दिन के एक दिन बाद वो पब्लिश होती है यूट्यूब पर, ठीक। तो देखिए, वो जो उसमें एक टॉपिक है आपका लेमरू एलिफेंट रिजर्व, यानी लेमरू हाथी अभ्यारण्य, उससे संबंधित मैंने बोर्ड पर कुछ उसमें डाटा बताए हुए हैं। ये जो लेमरू अभ्यारण्य से संबंधित जो डाटा है वो 10 से 15 दिन पुराने डाटा थे, लेकिन क्या हुआ, कल ही आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने आपका लेमरू हाथी अभ्यारण्य से संबंधित एक कैबिनेट निर्णय लिया है और कुछ आंकड़े छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए और 10 से 15 दिन पहले जो न्यूज़ में आए थे आंकड़े, वो दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए मैंने वीडियो के उतने पार्ट को कट कर दिया है और उसके जगह में एक अटैचमेंट उसमें अटैच कर दिया है। तो उस अटैचमेंट को थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उसमें उस अटैचमेंट में जो मैंने एक न्यूज़पेपर का कट पीस उसमें अटैच करके रखा है, उसको पॉज करके पढ़िएगा, वही आपका ऑथेंटिक आपके डाटा है, ठीक। बोर्ड पे लिखा है, उसे ऑथेंटिक मत मानिएगा, वो काफ़ी पुराना न्यूज़ था, लेकिन जो कैबिनेट निर्णय में जो न्यूज़ आया है उसे मैंने उतने वीडियो को कट करके उसके जगह में उसे अटैच कर दिया है, उसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। दूसरा चीज़ है आपका गोरिल्ला पेंडा मरवाही से संबंधित, बहुत लोग के आपके डाउट आ रहे हैं कि गोरिल्ला पेंडा मरवाही में आपके गोरिल्ला के जगह पेंड्रा, पेंड्रा के जगह गोरिल्ला। देखिए, अभी केवल इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन से संबंधित हमने वीडियो बनाया है, आगे और भी इस पर वीडियो आएंगे, ठीक। आप देखेंगे तो जो वहाँ पे 3 तहसील है उस नए जिले के अंतर्गत, गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही। गोरिल्ला का पूरा नाम है पेंड्रा रोड गोरिल्ला, तो कई जगह पेंड्रा रोड के जगह पेंड्रा रोड गोरिल्ला के जगह केवल पेंड्रा लिखा होता है। तो कुछ शहर जो है आपके पेंड्रा, गोरिल्ला, इसमें ये पेंड्रा रोड के कारण काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को हो रहा है, ठीक। तो जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा इसका ऑफिशियल एक गठन से संबंधित यदि अधिसूचना जारी की जाएगी तो उसके बाद इस पर हम एक और नया वीडियो बना देंगे, ठीक है। देखिए, तो जो मैंने आपको कहा था कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का पीडीएफ अभी आपका अवेलेबल होने वाला है। अब कुछ लोग का ये डाउट है, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मतलब उनका ये डाउट है कि जब 2020 में आपका नया आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तो हम उसके आंकड़े याद करेंगे, ये आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पुराने हो जाएंगे उस समय तक। तो देखिए, एक बार समझिएगा, आपका सीजीपीएससी प्री यानी प्रारंभिक परीक्षा जो अभी पिछले 2-3 सालों से होती आ रही है, वो होती है आपके फरवरी माह में। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका नेक्स्ट ईयर 2020 में भी जो आपका सीजीपीएससी प्री यानी प्रारंभिक परीक्षा होगी वो फरवरी माह में होगी। पिछले 2-3 सालों में फरवरी माह के 19 और 20 तारीख के आसपास आपका सीजीपीएससी प्री के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक। तो देखिए, आपके 19-20 को अगर हम लेकर के चले तो 19-20 को आपके प्री के एग्जाम होते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश करती है आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में, पहले सप्ताह में छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट पेश करती है, और उसी सप्ताह में बजट के 2-3 दिन पहले आता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक। मान लीजिए आर्थिक सर्वेक्षण आ रहा है आपका 5 तारीख को, बजट पेश हो रहा है आपके 8 फरवरी को। तो 5 तारीख को अगर आपका आर्थिक सर्वेक्षण आता है, नया आर्थिक सर्वेक्षण जो आप सोच रहे हैं, तो 5 तारीख को अगर नया आर्थिक सर्वेक्षण आएगा और आपका एग्जाम होने वाला है आपका 20 फरवरी को, 5 फरवरी को आपका आर्थिक सर्वेक्षण आ रहा है और 20 फरवरी को आपका एग्जाम है, एक आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में आपके 400 पेज होते हैं, 400 पेज के आसपास एक आर्थिक सर्वेक्षण पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। तो आप इस 10 से 15 दिन के टाइम ड्यूरेशन में उतना बड़ा आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ ही नहीं सकते, ये आपको भी मालूम है और पेपर सेट करने वाले जो टीचर है उनको भी मालूम है। तो आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए मैं इस पीडीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो पे अभी व्यूज नहीं आ रहे हैं, लोगों का माइंडसेट यही है कि जब नया आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे, इस भ्रम में मत रहिए। पेपर सेट करने वाले को भी मालूम है कि इतने कम समय में कोई भी इस 400 पेज के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को नहीं पढ़ सकता, जो भी डाटा आएंगे वो इसी आर्थिक सर्वेक्षण से आएंगे, सीजीपीएससी प्री में भी, सीजीपीएससी मेंस में भी,
ठीक। तो ये चीज मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर साल जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण सीजीपीएससी प्री में एक साल पहले के आते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण जो नया पब्लिश होता है तो वो टाइम ड्यूरेशन के कारण इतने जल्दी कोई उसे तैयार नहीं कर सकता, ये पेपर सेट करने वाला जो आपका टीचर है वो भी जानता है, ठीक है। तो ये थोड़ा भ्रम को थोड़ा साइड रख दीजिएगा, अक्सर लोगों का ये डाउट रहता है, तो पहले वो डाउट क्लियर करना जरूरी था। रहा बात सीजीपीएससी मेंस के लिए, सीजीपीएससी मेंस के लिए भी यही आपका आर्थिक सर्वेक्षण काम आएगा। क्यों? क्योंकि सीजीपीएससी मेंस के इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में कभी भी स्पेसिफाई नहीं करता कि आप आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 या 18-19 या 19-20 के आंकड़े डालिए। उसमें केवल एक क्वेश्चन पूछता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन से आंकड़े डालने वाले हैं, ठीक। बस चेंजेस कहां होता है? योजनाओं के डाटा में। योजनाओं के डाटा को समय समय पर हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन ये भ्रम दिमाग से हटा दीजिए कि ये आर्थिक सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण आते हैं, एक साल पहले के आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछे जाते आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है इसका PDF अवेलेबल हो चुका है, प्राइस बता दे रहा हूँ, प्राइस है इसका 50 रुपीज। अब कुछ लोग इसको लेकर के क्रिटिसाइज करने के उद्देश्य से कुछ कमेंट करेंगे कि इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको लेना है लीजिए, जिसको नहीं लेना है मत लीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इस PDF को लेना ही है, ठीक। PDF अवेलेबल है, जिनको ज़रूरत है वो ले सकते हैं, या तो फिर अगर आप जैसे कुछ लोग के आते हैं इसका प्राइस इतना होना चाहिए था तो ज़्यादा खरीदेंगे, कम होता तो हम भी खरीदते। देखो मेरे भाई, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिशियली छत्तीसगढ़ आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के वेबसाइट में गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स वाला आपका आर्थिक सर्वेक्षण का 400 पेज का आपका बुक अवेलेबल है। आपको लगता है तो आप उस बुक को ले लीजिए, उस बुक को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मेरा बुक मे भी ऑथेंटिक नहीं होगा, लेकिन वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल बुक है, आप उससे पढ़ सकते हैं। मैंने बस ये कोशिश की है कि वो जो 400 पेज के जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का बुक है उसे छोटा करके इंपॉर्टेंट डाटा को सरल शब्दों में समझाने का मैंने इसमें कोशिश किया है। इससे संबंधित सैंपल पेपर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक। देखिए अब, हाँ, और कुछ लोग का ये भी डाउट होगा, कुछ लोग का ये कमेंट कर रहे थे कि ये बुक अब आ रहा है तो क्या अब इस पर वीडियो नहीं आएंगे। देखिए, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, वीडियो आएगा। मैं कोई भी टॉपिक चालू करता हूँ, CMO का जब सिलेबस चालू किया था तो CMO का सिलेबस ही पूरा कंप्लीट किया था, पिछले बार आर्थिक सर्वेक्षण भी चालू किया था तो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े भी मैंने कंप्लीट किए हैं, ठीक। पूरा आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट होगा, उसके लिए आप निश्चित रहिए। ये बुक उन लोगों के लिए है जो अभी बीच बीच में एग्जाम होते रहते हैं, और काफ़ी समय से इन लोगों की डिमांड थी कि आर्थिक सर्वेक्षण का एक PDF या उनका नोट्स थोड़ा पब्लिश किया जाए करके, ठीक। तो देखिए, इसका प्राइस है 50 रुपये। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर बता देता हूँ। साइड में आप नंबर देख रहे होंगे 9174-52653। इस नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के सेम नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा, 9174-52653 सेम नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करेंगे तो आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पर ही एक लिंक आएगा, उस लिंक में आपको अपना पर्सनल डिटेल शेयर करना है। पर्सनल डिटेल में आपको अपना, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका शहर और आपका जिला, ठीक, ये चार आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फुलफिल करने हैं। वो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे आपका ये PDF का लिंक आ जाएगा। इस बार ये PDF आपका कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, कुछ आपके पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, आपके साथ आपका पासवर्ड भी आपको शेयर किया जाएगा। हर एक PDF के साथ एक ट्रैक ID अटैच किया जा रहा है, ठीक। पिछली 2-3 बार की घटनाक्रमों को देखते हुए जिस प्रकार से PDF चोरी होते आ रहे थे, इस बार पर्टिकुलर इस PDF को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने खुद 3,500 रुपये खर्चा करके लाइसेंस लिया है इस ट्रैक ID के लिए। तो बता रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में PDF को सोशल मीडिया पर शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, इवन दो अपने फ्रेंड को भी शेयर मत कीजिएगा, ठीक। क्योंकि इस ट्रैक ID के माध्यम से आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स काउंट होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अगर काउंट होते हैं और उस समय अगर ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाया गया तो संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्यवाही किया जा सकता है, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पर शेयर ना करें।
आपको अगर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, नेट में इंटरनेट आप इंटरनेट कैफे में जाइए, प्रिंट आउट निकालिए, आपके दोस्त को जरूरत है फोटो कॉपी कीजिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज़ को आपको सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना है। जो भी अगर सोशल मीडिया पर शेयर करेगा तो उस संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्यवाही या उस पर जुर्माना लिया जा सकता है। पहले से चेतावनी दे दे रहा हूँ, ठीक। पर्टिकुलर इसे ट्रैक आईडी से इसे प्रोटेक्टेड किया जा रहा है और इसमें नंबर ऑफ शेयर्स इसमें काउंट होने वाले हैं। दूसरी चीज, ठीक, तो ये तो था आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित, जिसका प्राइस है आपका 50 रुपीज, जिसको चाहिए ले सकता है। ठीक, देखिए व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके व्हाट्सएप मैसेज करने की कोशिश कीजिएगा। कॉल बहुत इन केस ऑफ एमरजेंसी यदि रहता है तभी कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर भी यही है और आपका व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दोनों यही है। ठीक, देखिए अब कुछ लोगों का डिमांड था कि छत्तीसगढ़ जो आपका पीएससी है, सीजीपीएससी है, उसका टेस्ट सीरीज आपका टेस्ट सीरीज होगा कि नहीं। तो देखिए सीजीपीएससी ई पाठशाला का आपका टेस्ट सीरीज भी आज इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 1 सितंबर 2019 से लेकर के 15 सितंबर 2019 तक इसका रजिस्ट्रेशन डेट है। जो भी कोई सीजीपीएससी ई पाठशाला का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो इस टाइम ड्यूरेशन में लगभग 1.5 महीने का आपका समय है, इस 1.5 महीने के समय में आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टेस्ट पेपर कितने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट मिला करके टोटल आपके 12 क्वेश्चन पेपर है और 2 आपके जो सीजीपीएससी प्री के हिसाब से पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर है, तो टोटल आपके नंबर ऑफ टेस्ट पेपर इसमें है आपके 14। ठीक, टोटल 14 टेस्ट पेपर है। इसका टेस्ट जो ये सीरीज हम कंडक्ट करा रहे हैं, इसका जो प्राइस है वो है आपका 300 रुपये। टेस्ट सीरीज का प्राइस है आपका 300 रुपये। ठीक, देखिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपका स्टार्ट होगा आपका 20 अक्टूबर 2019 से ये आपका टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। जो जो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे ये टेस्ट सीरीज आएगा और जो इंडिविजुअल सेपरेट एक एक पेपर लेना चाहते हैं वो सेपरेट एक एक पेपर भी ले सकते हैं जिस जिस डेट में। देखिए अभी साइड आपके स्क्रीन में पर्टिकुलर एक टाइम टेबल शो हो रहा होगा टेस्ट सीरीज का, क्वेश्चन पेपर और किस दिन वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगा। हर रविवार को 20 तारीख से आपका टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगा। जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसके पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, उसके पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आपका क्वेश्चन पेपर पहुंच जाएगा और जो इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर लेना चाहता है उसका इंस्टा मोजे पर सेम डेट में इंस्टा मोजे पर अपलोड हो जाएगा। बस फर्क इतना रहेगा, यदि आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर 13 है, यहां रजिस्ट्रेशन चार्ज 300 रुपये है। यदि आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन पेपर आपको लगभग 20 रुपये का पड़ रहा है, 20 से 21 रुपये का आपको क्वेश्चन पेपर पड़ रहा है, लेकिन इंस्टा मोजे पर सेम क्वेश्चन पेपर आपका जो अवेलेबल होगा वो होगा आपका 30 रुपये प्रति टेस्ट पेपर के हिसाब से। इंस्टा मोजे कुछ अपने अलग से चार्जेस होते हैं थर्ड पार्टी के तौर पर, इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसमें आपको थोड़े कम चार्जेस पड़ेंगे और जो सेपरेट लेना चाहता है, देखिए कोई पाबंदी नहीं है, जो सेपरेट लेना चाहता है वो उसके लिए इंस्टा मोजे की फैसिलिटी है। ठीक, इसका ही पेमेंट करने का सेम है, आप फोनपे गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजना है, लिंक आएगा, लिंक में अपने पर्सनल डिटेल देने हैं, आपके पर्टिकुलर जिस जिस डेट में है आपके उस डेट में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो टेस्ट सीरीज है उसको तुरंत इंस्टेंट चालू करना चाहिए। देखिए सडनली मैं चाहूँ तो कल के डेट में ही आपका एक क्वेश्चन पेपर आपको बना करके दे सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि बिना तैयारी के किसी भी चीज़ को देने में कोई मतलब नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज देने पर कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ समझिएगा, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ये नहीं बोलूँगा कि मेरा ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर विश्वास रखते हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप विश्वास रखते हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले आप किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या फिर हमारा भी आप जो टेस्ट सीरीज है उसे ज्वाइन करके उसके क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके जाना आपके लिए मस्ट है। देखिए आज के समय में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, समय के हिसाब से चीज़ें बदलती जा रही है तो आपको भी अपडेट रहना जरूरी है। आपको यदि किसी एक कोचिंग पर्टिकुलर किसी कोचिंग सेंटर के ऊपर फेथ है तो उस कोचिंग सेंटर का, देखिए आज के डेट में बहुत छोटे मोटे बहुत से कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं जो कई तो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा उठा करके ही आपके टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा
आ रहे हैं तो उनके झांसे में मत जाइएगा। एक अच्छा प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर के आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उनका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज नहीं लेना है तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, लेकिन एग्जाम देने से पहले आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाइएगा। ठीक, तो देखिए लगभग डेढ़ महीने का समय इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि डेढ़ महीने अगर आज से रजिस्ट्रेशन चालू होगा तो आपके पास डेढ़ महीने का समय है। अभी एग्ज़ाम को काफ़ी समय है, अभी जहाँ तक मुझे मालूम है ये समय अब स्टार्ट हो रहा है तैयारी करने का। तो आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ आ रहा है तो टेस्ट सीरीज़ में ऐसे नहीं कि कल टेस्ट पेपर दे दूँ बिना किसी पहले जानकारी दिए बगैर। मैं अगर टेस्ट पेपर आपको दे दूंगा तो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो आपके पास लगभग यहाँ आपका 15 अक्टूबर तक है ना, 1 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का है, लगभग डेढ़ महीने का समय है। डेढ़ महीने के समय में आप हर जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं वो रिवीजन कर सकते हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहा है वो अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से। हर एक क्वेश्चन पेपर में लगभग एक एक सप्ताह का गैप है। ठीक, तो आप पर्टिकुलर एक टॉपिक को उठाइए, एक सप्ताह का समय रहेगा, उसे अच्छे तैयारी कीजिए। अभी इस डेढ़ महीने के समय में लगभग सारे जितने भी सब्जेक्ट है उसे रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपका पूरा कंटिन्यू होगा। इस टेस्ट सीरीज में आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पेपर, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ बजट, ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। स्क्रीन पे आपका पर्टिकुलर दिखा दिया जा रहा है कि कौन कौन सा टेस्ट पेपर है। ठीक, तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, डिपेंड आपके ऊपर है। ठीक, लास्ट ईयर भी हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया था, लास्ट ईयर के मैंने विद प्रूफ दिखाया था कि लास्ट ईयर हमने केवल 4 टेस्ट पेपर कंडक्ट कराए थे और उन चारों टेस्ट पेपर से लगभग 21 प्रश्न हमने CGPSC प्री 2018 के क्वेश्चन पेपर में हमने फंसाए भी थे। ठीक, दावा कर रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, प्रूफ अभी भी मौजूद है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। CGPSC 2018 के PSC प्री के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे टेस्ट सीरीज़ के, लगभग आपके 21 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, इस साल भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि नहीं, मैं ये दावा नहीं कर सकता। पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके जरूर क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। अब देखिए, पिछले बार 21 प्रश्न फंसे तो जरूरी नहीं है कि इस बार प्रश्न फंसेंगे। बस एक एक्सपीरियंस के साथ एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, फंस गई तो बहुत अच्छी बात है। पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से एग्जाम का ट्रेड चलते आ रहा है 4-5 सालों से, उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाए। ठीक, तो जो भी कोई इंटरेस्टेड है वो पेमेंट कर सकता है। ये आपके CGPSC ई पाठशाला टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो है आपका 300 रुपीज। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यदि इस टेस्ट सीरीज से संबंधित या आपके आर्थिक सर्वेक्षण के PDF से संबंधित और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप WhatsApp नंबर पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज शाम को वीडियो आएगी, वीडियो को देखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, किसी भी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।